हम जो श्रावक लोग हैं, श्रावक लोगों के बीच में कोई विवाद नहीं है। अगर विवाद है तो मुनिश्री आप लोगों के बीच में है। आप मुनियों को यहाँ पर बिठा दीजिए, आइडेंटिफाइड हो जाएंगे कि ये किस पंथ के, किस धर्म के, किस प्रकार के साधु हैं। और हमें बिठा दीजिए, न हमारे बीच में 13 पंथ का फर्क है, न हमारे बीच में 20 पंथ का फर्क है, न दिगंबर का है, न श्वेतांबर का है, न मंदिर मार्गी का है, न साधु मार्गी का है, न और किसी मार्गी का है। हमें पहचान में नहीं आते, पर आप लोग पहचान में आते हैं। जिस दिन आप लोग एक हो गए, जैन तो अपने आप एक हो गया। और मैं छोटी सी एक बात कहूँगा कि जिस दिन एक जैन ने दूसरे जैन का सहयोग करने का निश्चय कर लिया, उसी दिन जैन एकता हो गई। जो कमी आपने बताई वो स्वीकार है ना, कि संतों में भी एकता नहीं है, पर उस संतों की एकता ना होने में भी भूमिका आप इन लोगों की है। जब हम क्या करते हैं, जब हम एक दूसरे संत से एक दूसरे को कंपेयर करना चालू कर देते हैं, जब हम एक दूसरे को बड़ा छोटा बताना चालू कर देते हैं, बस वहीं से गड़बड़ हो जाती है। एक का अहंकार हम पुष्ट कर देते हैं, एक का हम डाउन कर देते हैं, और वहाँ से मामला फिसलना चालू हो जाता है। एक के लिए हम बहुत सारी अच्छी व्यवस्था बना देते हैं, एक को छोड़ देते हैं ऐसे, है ना। तो क्या होता है, संत तो संत है ना, तो अपन देखें। इसलिए कोई संत जो है, सब एक संत है, जैसे आपने कहा है, सब हम लोग सब एक हैं, श्रावक लोग सब एक हैं, संत भी सब एक हैं, सिर्फ विचारों में तो मतभेद। पर अपन देखें, फिर भी जो संत हैं, जगह जगह रह करके, भले एक साथ ना बैठते हों, पर जहाँ अलग अलग कोने में भी बैठे हुए हैं, मान लो तो वे स्ट्रीट लाइट का काम कर रहे हैं, बाकी समाज को कुछ ना कुछ संस्कार तो देते ही हैं। संत आ जाते, अभी हम लोग देख रहे थे, हमारी 15 सेक्टर हम लोग चले गए थे 4-5 दिन के लिए, तो यहाँ पर पूरा आज अपन देख रहे हैं फिर बसंत आ गया। अभी बिल्कुल 4-5 दिन से बिल्कुल ऐसा लग रहा कि अमावस्या की रात चल रही हो। तो संत का प्रभाव तो पड़ता है। अब 15 सेक्टर में गए तो वहाँ पर बसंत आ गया था, है ना। सुबह 5 बजे से लोग उठ करके मंदिर आ जाते थे, है ना, रात्रि को 9 बजे तक का काम मिल गया था सभी के लिए। तो संत के रहने से बसंत आ जाता है। पर अंतर सिर्फ इतना है इस पंचम काल में कि जहाँ पर हम लोगों को पहले जो कहा जाता है कि 7 साल तक हमें माँ का साथ चाहिए, और 7 साल के बाद हमें संत का साथ चाहिए, और पहले के समय में 45 दिन का जब बच्चा होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम संत के पास ले जाते हैं, किसके कान में सूरी मंत्र दे दो, कि ये नमोकार मंत्र सुना दो, कि ये बच्चा ना संस्कारित रहे, अहंकार में ना जाए, और ये कभी चाहे देश में रहे चाहे विदेश में रहे, ये अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को कभी भूले ना। पर आज हम लोगों ने जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने बच्चों को जैसा आपने कहा अंगणित की तरफ है ना धकेल दिया उनको, कि 95% लाओ, अब 97% लाओ, अब 99% लाओ। अब उसको जो 99% चाहिए, उस बच्चे को अपन देखे सारे इमोशंस समाप्त कर दिए हमने। पहले के समय में जो इमोशंस होते थे बच्चे के अंदर, ये चाचा हैं, ये ताऊ हैं, ये काकी हैं, ये काका जी हैं, ये अपना जो जो रिश्ते 18 रिश्ते होते हैं, सबका ज्ञान होता था। समय समय पर लोग आते थे, आते ही अपन बच्चे झुक जाते थे, अरे मौसा जी आए, अरे फूफा जी आए, आइए फूफा जी, आइए मामा जी, आइए चाचा जी, रिश्ते थे, सबको याद था उन बच्चों को। पर आज अपन देखें बच्चे ही नहीं है। बच्चा अपन पैदा तो अपन करते हैं, उसको पहली साल दूसरे साल से अपन को प्ले स्कूल प्ले ग्राउंड में डाल देते हैं, फिर वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसको अपन विदेश भेज देते हैं। और आज का चलन हो गया MBA करना, थोड़ी कोई क्लास पढ़ी बच्चों ने, पैसा है, हम उसको तुरंत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, है ना, USA, है ना, UAE में वहाँ भेज देते हैं पढ़ने के लिए। और जब पढ़ के आता है तो शादी कर देते हैं, शादी कर दी, जॉब लग गई, कंपनी खोल ली, अब उसके बाद टाइम ही नहीं होती, इमोशंस ही नहीं है कि मुझे मंदिर, कोई मंदिर क्या चीज़ है, महाराज क्या चीज़ होती है, है ना, गुरु क्या होते हैं, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, हमें रात में क्यों नहीं खाना चाहिए, हमें शराब क्यों नहीं पीना चाहिए, हमें सिगरेट क्यों नहीं पीना चाहिए, ये तो हम सोसाइटी मेंटेन करते हैं ना, उनके अंदर ये इशू बन गया। अब वो क्या करते हैं, आज यही कारण तो है कि आज लड़कियां भी देख लो पहनावा कैसा पहनना है, है ना, अगर भागना है किसी लड़के के साथ तो भागना है, चाहे पिताजी हाथ जोड़े चाहे पैर पड़े, तो भी नहीं मानते वो बात, क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो इमोशंस ही नहीं है।
कि पिता की क्या गरिमा है, गुरु की क्या गरिमा है, माँ की क्या गरिमा है। आज हम लोग फ्रेंडशिप जैसे होने लगे, है ना। क्योंकि आज अपन देखे, पहले एक कमरा होता था, एक कमरे में सब लोग मिलकर बैठ जाते थे, खाते थे, पीते थे। और आज अपन देखे, हमने पहले इतनी बड़ी हवेली बना दी है और सबको सेपरेट सेपरेट कर दिया। जो बेटे का कमरा है, जो बेटी का है, जो उनका है, जो उनका है, सबके अलग अलग लैपटॉप है, सबके अलग अलग नेट है ना। सब हमने क्या किया, अभी से दूर तो किया है, जोड़ा कहाँ है हमने अब। तो इसलिए ये जब संत आ जाते हैं तो जो काम आप नहीं करते हैं, प्रभु संत लोग धक्का देते हैं। चलो बच्चों को बुलाते हैं, प्यार से बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं, समझाते हैं, उनको धर्म से जोड़ते हैं। और ये जो थोड़ी बहुत जो अपन को धार्मिक संस्कार जो हमें देखने मिलते हैं, ये संतों का ही प्रभाव है ना, कि जो एक सूत्र में जोड़ते रहते हैं ना। तो महान भाव अभी अपन देखेंगे। हाँ, ये बात ठीक है, हर संत नहीं करेगा, पर कुछ संत लगे हैं। संतों का बड़ा योगदान होता है। और मैं अपन देखें कि अभी जो सम्मेश शिखर जी का मसला है, वो मसला सभी का है। और देखिए, हमारे समाज में हमारे ऐसे ऐसे योग ना प्रश्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि जैसे चाहे विषय संथारा का हो, चाहे वो संलेखना का हो, और चाहे वह तीर्थों का हो ना, समाज एकता बहुत ज़रूरी है। समाज एकता का मतलब हम सब एक हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई अनेकता है, सब एक हैं। पर अभी जो है एक जैसा एक जुनून अपनेपन का, जैसे अपने बेटे से होता है, एक माँ को अपने बेटे से होता है ना, अपने मोबाइल से होता है, अपने कपड़ों से होता है, अपनी गाड़ी से होता है, ऐसा अपनापन हमें धर्म और धर्म के जो तीर्थ हैं इनसे यदि ऐसा हो जाए, उस दिन हम कहेंगे हम एक हैं और फिर कोई हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। पर जुनून न जाए, उसको हम मान लें। अभी हम गुरु अगर हमारे नगर में आए तो हम गुरु को जोड़ते नहीं हैं। मैं जब भी जहाँ कहीं जाता हूँ अजय भाई, तो मैं कहीं भी जाता हूँ बगे साहब, तो मैं एक ही बात सबसे पहले समाज से बोलता हूँ, तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं? उन्होंने 5, आज से 6 कर दो, मैं भी आ गया हूँ। आपकी फैमिली में कितने हैं? 10 लोग, तो 4 और एड कर लो, 14 हो गए आप 4 महीने के लिए। जितना ध्यान अपने बेटे का रखोगे ना, माँ से कह देता हूँ, जितना अपने बेटे का ध्यान रखोगे ना, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, आज से इन 4 का भी ध्यान रखना। और तुम अगर इन 4 का ध्यान रखोगे तो ये 4 तुम्हारे जो पैदा हुए बेटे हैं ना, उनसे भी ज़्यादा ध्यान हम तुम्हारा रखेंगे। हमें अपना बेटा मान लो, सीखे सौदेला मान लो, क्या दिक्कत है, पर मान लो है ना, हम सेवा करेंगे आपकी, खूब ध्यान रखेंगे। कभी आपको लगे आप कभी बेटे के पास मत जाओ है ना, हम तुम्हें इतना प्यार देंगे कि आप जब भी आपका मन होगा तो आप ये कहोगे हम तो उस बेटे के पास जा रहे हैं जो भले हमारा सगा नहीं है, पर वो गुरु के रूप में हमारा बेटी तो है। महानुभाव,